क्वेश्चन इज लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी हमें वो चेंजेस नोट डाउन करने हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पर होते हैं सो द चेंजेस टेक्स प्लेस डिफरेंटली इन द बॉडी ऑफ प्यज एंड गर्ल्ज एड प्यूबर्टी एंड वो चेंजेज लिस्टेड हैं देर इज़ सडन इंक्रीज इन हाइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स की प्यूबर्टी के बाद सडनली बॉयज़ एंड गर्ल्स की हाइट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है और दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाते हैं जब वो सेवनटीन टू एटीन ईयर्स के होते हैं बॉयज़ की जो वॉयस होती है वो हॉर्स हो जाती है एंड गर्ल्स की श्रिल हो जाती है शोल्डर्स जो है ब्रॉडर हो जाते हैं मसल्स ग्रो हो जाते हैं ज़्यादा बॉयज़ के अंदर गर्ल्स के अंदर जो आ, आ, वेस्ट लाइन के नीचे जो एरिया होता है मीन्स कि हिप्स वाला जो एरिया होता है वो ब्रॉडर हो जाता है हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स पर लाइक आर्म पिट्स के अंदर प्योबिक प्राइवेट पार्ट्स के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स के हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं टीन के अंदर ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्वेट सिबेशियस ग्लैंड एक्ने प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं कि तो पूरे फेस के ऊपर एक्ने एंड पिम्पल्स की ग्रोथ होने शुरू हो जाती है कुछ टीन के अंदर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग्स चेंजेस इन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल्स की प्यूबर्टी के बाद दोनों के अंदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों रिप्रोड्यूस करने के एबल हो जाते हैं मीन्स की बिफोर प्यूबिटी उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इमेच्योर होते हैं बट प्यूबर्टी के बाद उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर हो जाते हैं तो अब वो रिप्रोड्यूस करने के एबल हो जाते हैं गर्ल्स के अंदर मैंस्ट्रल साइकल शुरू हो जाता है डिफरेंट टाइप्स के हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं जैसे कि फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टिरोन एंड एस्ट्रोजन मेल के अंदर टेस्टोस्टिर हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है थैंक यू